पांच टेस्ट मैच की ये सीरीज का लास्ट मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मैच में हो सकता है बहुत बड़ी अदला बदली, भाई सुमन गिल और रोहित शर्मा इस मैच से हो सकते हैं बाहर और भारतीय टीम की कमान दी जा सकती है नए गेंदबाज और बल्लेबाजों को। तो मैं आज की इसके वीडियो में बताऊंगा किस कौन कप्तान रहेगा और कौन उप कप्तान रहेगा। वैसे धर्मशाला में अदला बदली ज़्यादा करने की सोच में है BCCI। वहीं भारत और इंग्लैंड के खिलाफ पांचवा टेस्ट मैच हिमाचल प्रदेश में खेला जाएगा। 7 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा। ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सीरीज में अब तक भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने शानदार लय में नजर आ रही है। इसके बावजूद कहा जाता है कि BCCI पाँचवें टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें मैच में बड़ा बदलाव कर सकता है। वहीं रोहित शर्मा और सुमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं इसकी कमान जसप्रीत बुमराह के हाथ आनी है। वहीं उपकप्तान रविंद्र जडेजा बन सकते हैं। वैसे वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि भारतीय टीम की 11 सदस्यीय टीम कौन सी रहेगी। बने रहिए मेरे साथ। ये टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद इससे पहले भारतीय विकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI टीम को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। दरअसल भारतीय खिलाड़ियों को अगले महीने IPL 2024 में हिस्सा भी लेना है। इसलिए भारतीय चयनकर्ता कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में कप्तान और की भूमिका निभानी है। ऐसे में बोर्ड रोहित शर्मा और सुमन गिल को आराम देकर जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया की कमान संभाली जा सकती है। शुरुआती 3 मुकाबलों में उन्हें उपकप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन 4थे टेस्ट मैच में वह हिस्सा नहीं थे। वहीं वह अपनी वापसी के बाद वह कप्तानी करते दिखाई दे सकते हैं। उनके अलावा रविंद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया जा सकता है। हालांकि टीम में अन्य और कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। वैसे बल्लेबाजी विभाग में यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खां जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और आर अश्विनी, वाशिंगटन सुंदर 5वें टेस्ट मैच में टीम इंडिया के ऑलराउंडर होंगे। वहीं प्ले 11 यानी भारतीय पूरी टीम की बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खां, ध्रुव जुरेल जो कि विकेट कीपर हैं, KS भरत जो कि विकेट कीपर हैं, आर अश्विनी, रविंद्र जडेजा जो कि उप कप्तान बनाए जा सकते हैं। वहीं अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह जो कि कप्तान बन सकते हैं, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप टीम के 5वें मैच जो कि टेस्ट मैच धर्मशाला में खेला जाएगा उसकी ये टीम इस 11 रहेगी। वहीं बात की जाए इसमें और कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं सुमन गिल और रोहित शर्मा टीम से बाहर हो सकते हैं, वो भी वर्कलोड के तहत टीम इंडिया से ये बाहर करके आराम दिया जाएगा। BCCI के ये निर्देश हैं और ये शायद रोहित शर्मा और सुमन गिल 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, इसमें सदस्य नहीं हो सकते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।